मैं सांकरी से अभी तालुका पहुंच चुका हूं। तालुका में मैंने बाइक अपनी खड़ी कर दी है। यहां पे यहां से जो मेन रास्ता था हमारा जाने वाला, वो बंद हो चुका है क्योंकि वहां पे पत्थर वत्थर गिर गया, लैंडस्लाइड हो गई, तो रास्ता पूरा बेकार है। तो इन्होंने सजेस्ट किया ऊपर तक एक गाड़ी जाएगी, तो थोड़ी दूर ऊपर तक एक गाँव पर गाड़ी जाएगी, उसके बाद हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। अभी ट्रैक स्टार्ट हो चुकी है मेरी, तो बज रहे 1:30। अब देखते हैं उसला कब तक पहुँचते हैं। ये दूसरा रास्ता है, जो हर किसी का रेगुलर रास्ता नहीं है, वो बंद हो चुका है। चुबा हालत खराब हो गई, पसीने पसीने हो गए पूरा। और 3:30 बज चुके हैं, 2 घंटे हो गए चलते हुए। यहाँ पे 10 मिनट का क्विक ब्रेक लिया था, तो जब से चले अब तक 2 ब्रेक लिए। और मेरे साथ जो 2 अंकल चल रहे, एक का नाम है चंदन, दूसरे का नाम है खजान सिंह। तो उनका नाम मैंने 3-4 बार पूछा, 3-4 बार भूल चुका। फिर लास्ट बार पूछा खजान सिंह बोला, तो मैंने बोला मैं खजाना याद रखता हूँ, आ हटा दूँगा तो आपका नाम हो जाएगा। तो दैट्स अ बेटर वे टू लाइक रिमेंबर हिज नेम। और ओसला भी काफ़ी दूर है, बहुत दूर है, तो वो बोल रहे इसी स्पीड से चलते रहे तो 6:30 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। तो स्पीड तो ठीक है, चलो धीरे धीरे चलते रहेंगे। और इस प्यारी सी जगह में हम रुक के 10 मिनट का हॉल्ट लिया, खजान जी और चंदन जी के साथ 1-2 फोटोज़ खींची, और अब हम निकल रहे ओसला की ओर। तो 4:30 हो गए और अंधेरा होने वाला है, ठंड हल्की हल्की बढ़ रही है। तो अब चलो निकलते हैं ओसला में। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं एक प्यारी सी जगह में, और ये मेरा व्यू होगा आज के लिए। मैं ओसला तक नहीं गया, खजान भाई को बोल दिया आप निकल लो ओसला, पूरा ओसला का ऊपर कम से कम और 1 घंटा लगेगा। मैंने बोला मेरे को ये जगह प्यारी लग रही है, वो मान नहीं रहे थे, पर रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला मैं कल सुबह आ जाऊँगा, आप रुको। और अभी मैं यहाँ पर टेंट लगाने जा रहा हूँ, पानी का सोर्स ढूँढ रहा था, वहाँ पर मिल गया मेरे को पानी का सोर्स, हल्का सा आ रहा है। और ये व्यू देखो, प्यारा है व्यू, टेंट का व्यू, इधर झरना, नदी आ रही है। चलो अभी फटाफट टेंट लगा ले क्योंकि शाम होने वाली है।
पानी तो भर लिया है, कैम भी समेट लिया है, अंधेरा भी हो रहा है हल्का हल्का। सुबह से पराठे खा के निकला हूँ, बीच बीच में बस मंचीज ले रहा था, सामान सब पैक कर लिया। अब आता है खाना बनाने की बारी। खाना बनाने से पहले सबसे पहले मैं चाय बनाना बनाऊंगा, उसके बाद कुछ खाने के लिए बनाऊंगा। अब जाके खाना रिसीव हुआ है सुबह के बाद, सुबह पराठा खाना मैंने बस, मतलब ये फकिंग मज़ा आ गया। तो डिनर वगैरह तो हो चुका मेरा, पर अब मैं फैक्ट बताता हूँ, मेरे माउंटेन्स में सोलो कैंपिंग ये पहली बार है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा मेरे को थोड़ा बहुत डर लग रहा है, पर वही डर को मैं भगाना है। और आसपास कोई भी नहीं है, अकेला मैं यहाँ पे टेंट लगा के बैठा हूँ, और पीछे भी पहाड़ है, आगे नदी बह रही है, और पूरे पहाड़ है और जंगल है। सो मैं अभी बजे 9, तो मैं बस 15-20 मिनट में सो जाऊँगा, सुबह जल्दी उठूँगा। और मेरे को अभी कल आगे भी जाना है, कल देखते हैं अर्की तक जा सकता हूँ या बीच में एक गाँव आएगा वहाँ रुकते हैं। जैसा भी है आप लोगों को मैं दौर में अपडेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं कल सुबह। सो गुड नाइट।